हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। BIPS कॉलेज के पास से उत्तर पश्चिमी जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने पंडित गैंग के दो शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। DCP उषा रंगनानी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पश्चिमी जिले के क्षेत्र में अपराध और अपराधियों की अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रूप से स्पेशल स्टाफ की टीम को काम सौंपा गया था। इसके साथ ही सक्रिय गैंगस्टरों पर नजर रखने का काम भी सौंपा गया था। इसी बीच 6 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी, भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग के मामले में कुछ आरोपी क्षेत्र में घूम रहे बोनक गैंग से बदला लेने के लिए। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो कि ACP पंकज सिंह के निर्देश पर इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल की देखरेख में एक टीम का गठन किया था। इस टीम के अंदर SI अरुण, SI सुरेश त्यागी, हेड कांस्टेबल सोमवीर, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल नरसी, हेड कांस्टेबल सत्य, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, हेड कांस्टेबल गोलू, कांस्टेबल राघवेंद्र, कांस्टेबल अंकुश, कांस्टेबल उत्तम सागर इस टीम में शामिल थे। मिली जानकारी के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने BIPS कॉलेज के पास दो अलग अलग स्थानों पर नहर के किनारे राजनीतिक जाल बिछाया। लगभग 6 फरवरी की शाम 7:55 पर उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा। गुप्त मुखबिरों के संकेत पर एक टीम ने रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वह आउटर रिंग रोड की तरफ भाग लगे। मेन रोड के पास तैनात एक अन्य टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने फिर से एक संकरे रास्ते पर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। बाद में इनकी पहचान चंदन पंडित और रोहित के रूप में हुई। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जो बुद्ध विहार इलाके से मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वे अपने एक प्रमुख सदस्य की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे गिरोह के सदस्य की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि ये दोनों पंडित गैंग के शार्प शूटर हैं। जांच करने पर पता चला कि दोनों थाना भलसवा डेयरी क्षेत्र में गोलीबारी की घटना में भी शामिल थे। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों से की जा रही है पूछताछ।